के विभूतिखंड गैंगरेप मामले में मुठभेड़ के बाद आरोपी की गिरफ्तारी पर डीसीपी ईस्ट प्राचु सिंह से खास बातचीत की इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने, वो भी देखिए। राजधानी में दो अलग अलग जगहों पर अलग अलग वारदातें और ऐसी बड़ी वारदातें जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। हालांकि इन दोनों ही घटनाओं का अनावरण हो चुका है, जिसमें एक में इमरान की गिरफ्तारी हो चुकी है तो दूसरे में कानपुर निवासी विद्यासागर कुशवाहा की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैम, जिस तरह से ये दो गुडवर्क बड़े देखने को मिले और दो बड़ी टास्किंग आप लोगों के लिए चैलेंजेस थे कि किस तरह से इन लोगों का अनावरण किया जाए, कैसे हुआ क्या और किस तरह से इन लोगों की गिरफ्तारी हुई? इन दोनों गिरफ्तारियों में सबसे जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि सबसे पहले तो तहरीर मिलते ही मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा दर्ज होने के पश्चात ही जो है टीमों का गठन किया गया, जिसमें पूर्वी की क्राइम टीम भी थी, थाने की भी टीम थी, जो विभूति खंड में दर्ज हुआ उसमें विभूति खंड की टीम थी, जो गुमती नगर में दर्ज हुआ उसमें गुमती नगर की टीम थी और तुरंत इन लोगों की टास्किंग की गई। और इसीलिए आप लोग खुद देख रहे होंगे कि जो लोहिया वाला हमारे यहाँ रेप कांड हुआ था उसमें तुरंत गिरफ्तारी इसी वजह से कर ली गई, क्योंकि टीम के गठन होते ही उसका लोकेशन लेके और तुरंत जो है इसमें अरेस्टिंग कराई गई। मैम, जिस तरह से इमरान को गिरफ्तार किया गया, कैसे कौन सी सूचना प्राप्त हुई और किस तरह से इसको ट्रैक किया गया, क्योंकि इमरान एक सबसे बड़ा टास्क था आप लोगों के लिए क्योंकि इससे पहले आकाश की गिरफ्तारी हो चुकी थी। इमरान की फ़ोटो एक्चुअली हम लोगों ने सर्कुलेट कराई थी क्योंकि वो ऑटो चलाते थे, तो ऑटो कई ऑटो वालों को भी इनकी फ़ोटो दिखाई गई और कई और जो हमारे खुद के मुखबिर हैं उन लोग को भी फ़ोटो दी गई कि अगर इस तरह का कोई आदमी आपको कहीं दिखे तो आप बता दीजिएगा। तो उसी वही चीज़ जो है फ़ायदेमंद रही और इसी सूचना पर फिर जो आगे का इसमें ऑपरेशन पूरा हुआ वो इसी सूचना से आगे बढ़ता चला गया। खासकर पुलिस की तरफ से जो हिला हवाली की गई, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं और खासकर इस मुकदमे को आपने कहा था हम फास्ट ट्रैक में लेके जाएंगे, खुद भी सुपरविजन करेंगे। रही पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने की बात, तो जो मेरे स्तर से चीज़ें हो सकती थी वो हमने कर दी हैं, बाकी जो सीनियर अधिकारियों की तरफ से जो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई गई उसके लिए मेरे तरफ से पुलिस आयुक्त महोदय को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है। अब ही सारी सैम्पलिंग हो जाएगी, फॉरेंसिक हमारे एविडेंसेस कलेक्ट हो जाएंगे, हम लोग कोर्ट में जो है फास्ट ट्रैक करवाएंगे इसको केस को और इसमें जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल कराएंगे जैसे कि अभियुक्तों को एकदम टाइमली इसमें सजा मिल पाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थी प्राची सिंह, जिनका सीधे तौर से कहना है कोशिश हमारी लगातार इस तरह से है कि किसी भी तरह से अपराधी और उसके द्वारा किए गए अपराधों का दमन किया जाए, कोशिश इस बात की है कि इस तरह की घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति ना होने पाए। कैमरामैन अमित के साथ अभिषेक मिश्रा, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।